हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, आप सभी का स्वागत इस चैनल में। आज हम बताएंगे अध्याय 12, ठीक है, क्लास 10th का अध्याय 12 बताएंगे, ठीक है। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यह भी सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे इसके बाद आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। अगर आपके समझ में आ जाएगा वीडियो, ठीक है, तब जाके आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। इसमें जो है दो वृत्त हैं, तो पहला वृत्त जो है एक है 19 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक पहला वृत्त जो है ये है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा जो वृत्त है वह है 9 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल लिखेंगे। हल पहले वृत्त के त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या यानी इसका हम आर वन ले लेंगे, ठीक है। आर वन बराबर 19 सेंटीमीटर और दूसरे दूसरे वृत्त के त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दूसरा का है तो आर टू ले लेंगे बराबर 9 सेंटीमीटर, ये ठीक है। अब हमें लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि वृत्त पहले पहले वृत्त के परिधि बराबर 2π r1, तो पहले वृत्त ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला में आर वन है 19 सेंटीमीटर वाला, नहीं हम पहला वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2π r1 का क्या है यहाँ पे 19, तो 19 ले लेंगे 19 सेंटीमीटर, और 19 दूना 38, 19 दूना 38 पाई, ठीक है ना। और अब लिखेंगे दूसरे दूसरे वृत्त की परिधि बराबर 2π r2, 2π r2 यानी दूसरे वृत्त लिए हैं तो दूसरा यहाँ पर लिखें r2, तो बराबर का हो जाएगा 2π r का मान क्या है यहाँ पे r2 का 9 सेंटीमीटर, तो 9 लेंगे और 9 दूनी 18π, ये हो गया 9 दूनी 18π। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से दोनों को योग करने पर यानी कि आर वन और आर टू को योग जब करेंगे यहाँ पे आर वन और आर टू का निकला 18π और आर वन का निकला 38π, तो यहाँ पे लिखेंगे 38π प्लस 18π बराबर हो जाएगा जोड़ के 56π। तो चूंकि वृत्त वृत्त का परिधि बराबर 56π, ठीक है, ये नए वृत्त का परिधि निकल रहे हैं, और 2π r बराबर 56π, ठीक है, पाई पाई खत्म हो गया, 2r बराबर 56/2, 28 दूनी 56, ठीक है, और r बराबर निकला है 28 सेंटीमीटर।